डेंटल कैलकुलाई या टार्टर डिपॉजिट। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह के अंदर देख रखा होगा, खास करके नीचे वाले दांत के पिछले हिस्से में, कि एक परत जो भूरे रंग की या पीले रंग की मोटी सी परत बन जाती है, जो ऐसा फील होगा जैसे कुछ स्टोनी या पत्थर के जैसा डिपॉजिट हो रखा हो, यही टार्टर या डेंटल कैलकुलाई है, राइट। इसके कंपोजिशन की बात कर लें, डेड बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरियाज काफ़ी सारे होंगे, सेलेवरी प्रोटीन्स होंगे, और इसका लगभग 50% पार्ट्स बहुत सारे मिनरल से बना होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट वगैरह होते हैं। कारण इसका क्या है, जैसे मान लो आपने खाना खाया, उसका कुछ हिस्सा दांत पे चिपक जाता है, राइट। मेट्रियल अल्बा को अगर आपने नहीं हटाया कुल्ला करने से, वो ग्रेजुअली प्लाक में चेंज हुआ। प्रॉपर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग नहीं हुई तो प्लाक फिर धीरे धीरे चल के थोड़ा मिनरलाइज होने लगता है, राइट। मिनरलाइज होने के बाद वो एक कड़ा सा या हार्डेंड लेयर बन जाती है दांत के ऊपर, वो डेंटल कैलकुलाई कहते हैं, या डेंटल या सीधे टार्टर भी उसको कह सकते हैं। सिम्टम की बात करें तो दांत के ऊपर एक स्टेन डिपॉजिट या पीला भूरा या काला या कुछ और डार्क कलर का एक लेयर आपको दिखेगा, उसके अंदर स्मेल फील होगी, बदबू मुंह के अंदर से आएगी, राइट। गम ब्लीड या जिंजाइवल ब्लीडिंग आप नोटिस कर सकते हैं, गम रिसेशन, मसूड़ों का नीचे वाले मसूड़ों का नीचे की तरफ, ऊपर वाले मसूड़ों का ऊपर की तरफ दांत से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, दैट इज गम रिसेशन है। उसके कारण हो सकता है पेशेंट में सेंसिटिविटी हो, पेन भी हो सकता है। इसके अलावा जो डिपॉजिट होता है, कई बार जीभ से लगने के कारण छोटा छोटा टुकड़ा टूट के निकलता रहता है मुंह के अंदर, तो पेशेंट ऐसा कंप्लेन करता है जैसे मान लो उसके दांत का कुछ हिस्सा टूट रहा हो। इसके अलावा कई बार जीभ में हल्का सा कट भी लग जाता है, राइट। अब डायग्नोसिस की बात कर लें तो आप जब डेंटल क्लिनिक में जाएंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सप्लोरर के टिप वगैरह से वो रफनेस को नोट करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन है, पॉकेट की प्रोबिंग होती है मसूड़े के चारों तरफ, जो जितना अटैचमेंट से डी का उल्टा होता है डिटैचमेंट, तो जितना डिटैचमेंट होगा मसूड़ा जितना अलग रहेगा, उसको प्रोब से चेक करते हैं। इसके अलावा डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशंस वगैरह भी यूज होता है, और मसूड़े के नीचे जो कैलकुलस होता है या टार्टर होता है, जो हम नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं, उसको सब जिंजाइवल टार्टर कहते हैं। जो हमको नंगी आंखों से देख लें वो सुप्रा जिंजाइवल है, तो जब सब जिंजाइवल कैलकुलस को आप एक्सरे में देख सकते हैं, राइट। कॉज की बात हमने पहले एक्सप्लेन करी थी, प्लाक अल्टीमेटली मिनरलाइज होते होते कैलकुलस में चेंज हो गया। कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके में जिंजाइवल रिसेशन या गम रिसेशन होगा, उसके कारण सेंसिटिविटी या और सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, राइट। डेंटल केरीज हो सकता है, क्योंकि जो कैलकुलाई है उसके अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक है, और अल्टीमेटली पायरिया वगैरह या और भी टूथ इन्फेक्शन होंगे, और अल्टीमेटली टूथ लॉस हो सकता है। ट्रीटमेंट, जब आप डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो इसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन और जो ट्रीटमेंट है वो डेंटल स्केलिंग का, जिसमें अल्ट्रासोनिक रेंज की वाइब्रेटिंग टिप होती है, और जब आपके डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटिस्ट जब उसको टच कराते हैं इस हार्डेंड सरफेस पे, तो वो ब्रिटल नेचर होने के कारण टूट के अलग हो जाता है, राइट। वैसे भी रूटीन स्केलिंग आपको 6 महीने में एक बार आप कराना चाहिए। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जो भी आपको बेसिक डेंटल हाइजीन की प्रोसेस है उनको आप एफिशिएंटली फॉलो करो, स्टार्टिंग फ्रॉम टूथ ब्रशिंग, दिन में 2 मिनट 2 बार, फ्लॉसिंग, दांत के हर नूक एंड कॉर्नर पे फ्लॉस जाना चाहिए, दो दांत के बीच की जगह पे, राइट। इसके अलावा जब भी आप कुछ खाना खाते हो उसके बाद खूब सारा कुल्ला करो, दैट इज ओरल रिंसिंग, पानी के साथ भी आप खूब करो। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है माउथ वॉश का, क्लोरेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट, जो कि बहुत ही कॉमन माउथ वॉश है जो आपके डेंटिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको आप 5 से 10 ml सुबह शाम जब भी टूथब्रश करें उसके बाद थोड़ी देर के लिए फॉर नियर अबाउट 30 to 45 seconds मुंह के अंदर रखेंगे, स्विश करेंगे चारों साइड और फिर स्पिट आउट करेंगे, उससे काफ़ी आप प्लाक को कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली टार्टर भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर में आपको स्मोकिंग या टोबैको, तंबाकू वगैरह के सेवन से बचना चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ रेगुलर चेकअप 3 से 6 महीने में आप डेंटिस्ट के यहाँ करा सकते हैं। सो बेसिकली टार्टर या डेंटल कैलकुलस में ये सारी बातें हैं, और इसके जितनी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको फॉलो करें तो इस सिचुएशन से हम बच सकते हैं। थैंक यू।